गीडा पुलिस ने वाहन लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को जंगल कौड़िया 0 पॉइंट कालेसर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गौरव शुक्ला पुत्र संजय शुक्ला निवासी बूढ़ा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर निवासी हाल मुकाम ब्लॉक नंबर 7D मकान नंबर 46 वृंदावन योजना तेलाबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ, दूसरा मोनू शुक्ला पुत्र शिवकांत शुक्ला निवासी बूढ़ा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा 2 जिंदा कारतूस घटना में प्रयुक्त वाहन लूटी गई इनोवा क्रिस्टा 2500 रुपए 3 मोबाइल 6 ATM 3 आधार कार्ड बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि तसव्वुर अली पुत्र मुनव्वर अली निवासी ताड़ीखाना चौकी अनिल सीमेंट के सामने जंगल तुलसीराम बिछिया शाहपुर गोरखपुर द्वारा थाना गीडा पर लिखित सूचना दी गई थी। उसकी इनोवा गाड़ी 18 जुलाई को रूही ट्रेवल्स राप्ती नगर से जनपद गोरखपुर से जनपद वाराणसी के लिए बुक हुई है तथा ड्राइवर टीपू सुल्तान पुत्र सुब्राती अली निवासी खरया पोखरा बशारतपुर को मेरे द्वारा देकर बुकिंग पर भेजा गया, जो अगले दिन 19 जुलाई को बिना गाड़ी के वापस आ गया तथा इस संबंध में तहरीर के आधार पर ड्राइवर टीपू सुल्तान उपरोक्त के विरुद्ध थाना गीडा पर ड्राइवर व मालिक के बीच हुए टेलीफोनिक वार्ता के लास्ट लोकेशन के आधार पर घटना स्थल मानते हुए पंजीकृत किया गया व विवेचना उपनिरीक्षक विवेक रंजन को सुपुर्द की गई। प्रगति के क्रम में अभियोग की समीक्षा SSP द्वारा करते हुए विवेचना प्रभारी निरीक्षक गीडा को आवंटित हुई तथा विवेचना की कार्यवाही के दौरान मिले सबूत के आधार पर ड्राइवर टीपू सुल्तान व ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक राहुल सिंह से पूछताछ की गई तो एजेंसी मालिक द्वारा बुकिंग कराते समय उपलब्ध कराए गए आधार कार्ड पैन कार्ड व मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया। सर्विलांस और आयकर विभाग कार्यालय से सामंजस्य स्थापित कर छानबीन की गई तो आधार कार्ड संजय कुमार पुत्र झगरू निवासी भुरहा थाना मोतीगंज जनपद गोंडा का प्राप्त हुआ, जिस आधार पर संजय कुमार से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने अपना आधार व पैन कार्ड अपने गांव के सौरभ श्रीवास्तव पुत्र सूरज श्रीवास्तव जो मेरा पड़ोसी जो लखनऊ में भी रहता है नौकरी लगाने हेतु उसको दिया हूँ तथा दोबारा सौरभ श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तथा कैप से प्राप्त फोटो को पहचान कराया गया तो उस फोटो को सौरभ श्रीवास्तव पहचानते हुए गौरव शुक्ला पुत्र संजय शुक्ला के रूप में बताया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। SSP ने कहा गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गीडा थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज, वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक विवेक रंजन, कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, संजय सिंह, रामनारायण शुक्ला, पप्पू यादव, ब्रजेश यादव सहित धनंजय सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा इसलिए क्राइम रिकॉर्ड है ना सिद्धार्थ नगर के मोहान थाने में मोहाना थाने में ये दूसरी है घटना लेने का कहीं से पर फॉर्चुनर चूंकि किराए पे मिल नहीं रही थी इनको आराम से इनका उद्देश्य क्या था उद्देश्य यही था कि एक लग्जरी गाड़ी चाहिए थी इनको गौरव कितना पड़ेगा
और वो BMW गाड़ी किसकी है जिसमें तुम फोटो खींचवाए हो? वो BMW तुम्हारी है? वो भी ऐसे ही लिए खरीदी हुई है? सिद्धार्थ नगर के जी। इन्होंने उस पर झंडे वंडे लगा के तैयार कर दी थी गाड़ी को। जुलाई माह में एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी गायब हो गई थी, जिसे कि ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से कुछ लोगों ने बुक करवाया, और जब ड्राइवर वापस आ गया बिना गाड़ी के, तो मालिक ने ड्राइवर पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें जब पुलिस ने खोजबीन की और जानकारी की, तो पता चला कि ये गाड़ी को कुछ लोगों ने ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से बुक करवाया था, और बुक करवाने के पश्चात ड्राइवर को बंधक बनाकर सुल्तानपुर में उतार दिया गया और गाड़ी लेकर ये फरार हो गए। इस पर पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से और आयकर विभाग की मदद से जो भी मोबाइल नंबर हैं और जो पैन कार्ड जिनके जरिए ये गाड़ी बुक करवाई गई थी, उनको ट्रैक किया। उन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो जानकारी हुई कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड को दुरुपयोग करके गौरव शुक्ला और इनके साथी मोनू इत्यादि ने ये घटना को अंजाम दिया है। इस पर पुलिस ने इनसे इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जो कि लूट गई थी वो बरामद की है, और घटना में प्रयुक्त XUV 500 गाड़ी जो कि इन्होंने पीछा करके घटना को अंजाम दिया था वो बरामद की है, और दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। तीन इनके साथी फरार हैं जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी हाँ, इनके पास से दो गाड़ी, मोबाइल और तमंचा बरामद हुआ है, और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सिद्धार्थ नगर में भी इन्होंने एक चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त गौरव अभी तक वांछित चल रहा है, जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इस कार्य को करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये नकद का पुरस्कार दिया जा रहा है मेरी तरफ से, और इसमें आगे और जो बाकी तीन अभियुक्त हैं उनकी भी जानकारी कर शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।